मोदी जी के राज में मरी है उसे कांग्रेस, पहले कांग्रेस के राज में बिल्कुल सब सुखी थे, कांग्रेस के राज में सब सुखी थे। 5 साल तो बेमिसाल रहे हैं ना, तो भुखमरी कैसे नहीं खत्म हुई बेमिसाल सालों में। मैडम जी पॉपुलेशन भी तो बढ़िया उस हिसाब से। रिजल्ट आए हुए 5 महीने हो गया, अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। एक आदमी को नहीं मिली कौन सी बड़ी बात होगी भाई, लेकिन सभी को काम नहीं मिलेगा। मैंने कहा था गवर्नमेंट से इस बार, लेकिन इसको नाम बेरोजगारी की देना एक मूर्खता है। किसको वोट देने की सोच रहे हैं, किसे प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? तो अभी तक जो है वोट बीजेपी के कट्टर हैं हम तो। अच्छा। ठीक है, वोट क्या देना है, वोट तो हमने नरेंद्र मोदी जी को ही देना है, बीजेपी को। अच्छा। बीजेपी को ही देना है हमने वोट तो। अच्छा। बीजेपी को क्यों देना, कहते बीजेपी के राज में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है देश के राज में। महंगाई की बात नहीं है, महंगाई के साथ जो है हमारा जो है सैलरी भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। उस हिसाब जिस हिसाब से सैलरी बढ़ी है उस हिसाब से अगर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल जाएगा। महंगाई वहंगाई कोई नहीं बढ़ी है, भत्ता बढ़ा है। लोग आज भी डेली वेजेस देखे 400-500 रुपए में काम कर रहे। मेरी बात सुनो, 400 रुपए काम कर रहे हैं वो तो एक जीविका है, कोई रोजगार थोड़ी ना, कोई मजदूरी कर रहा है वो तो जीविका है। यहाँ भी रोजमर्रा की वो है, वो तो रोजगार किसे कहते हैं आप? सरकारी नौकरी को कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी को कहते हैं आप? रोजगार वाले हो ना आप, है ना? ये रोजगार को मानते हो आप? ये रोजगार है आपका? नौकरी है, नौकरी है। हाँ, ये नौकरी या रोजगार जो जिसमें अपनी जीविका आदमी वो करता है, मेंटेन करता है, उसको रोजगार ही बोलते हैं कि हाँ भाई हमारा रोजगार है भाई। अब ये जो ये नहीं, ये जो रेडी पटरी वाले हैं ये अपनी जीविका है ना, ये इनका इसका रोजगारी है इनका, ये रोजगारी है। रही बात हमारी के इंडेक्स में भारत 111 नंबर पे आ चुका है 125 की श्रेणी में। मोदी जी के राज में भुखमरी बढ़ गई है देश। मोदी जी के राज में मरी है उसे कांग्रेस, पहले कांग्रेस के राज में बिल्कुल सब सुखी थे, कांग्रेस के राज में सब सुखी थे। कांग्रेस के राज में तो गरीबी हट रही थी ना? आपका कहने का मतलब यह है कि केवल 9 साल के अंदर यहाँ गरीबी आई है, उससे पहले गरीबी नहीं थी? अरे उससे पहले यहाँ पे भाटी माइंस देखा है इसका, ये क्या कहते हैं छतरपुर का, 30 साल से रह रहे थे वहाँ पे वो रिफ्यूजी पाकिस्तान के, उनको अमित शाह ने आके यहाँ पे जो है नागरिकता दी है, अमित शाह ने। ठीक है, वो भुखमरी में थे, उनको नागरिकता ने बिना नागरिकता के उनको यहाँ रखा गया था भारत के अंदर। ग्लोबल इंडेक्स झूठ बोल रहा है कि 111वें नंबर पे है भारत भुखमरी के नाम। भैया ग्लोबल इंडिया जो है सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है उस चीज को नहीं मान रहे, लेकिन मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ ये खाली 9 साल में गरीबी बढ़ी है कि उससे पहले भी गरीबी थी, उससे पहले भी इतना ही उसमें था वो भारत। 9 साल तो बेमिसाल रहे हैं ना, तो भुखमरी कैसे नहीं खत्म हुई बेमिसाल सालों में? अरे भाई मैडम जी पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है उस हिसाब से, आपकी जब से पॉपुलेशन बढ़ी है उसका जो है परसेंटेज बढ़ता चला गया। उस समय जो 130 करोड़ जनता थी, अब 140 करोड़ जनता है, तो उसके हिसाब से जो है रेशो लगाओगे तो बढ़ती की बढ़ेगी ना। बच्चे हो रहे हैं पैदा 10-10, 15-15 बच्चे है, हजारों बच्चे पैदा हो रहे हैं पर डे के अंदर, तो उसके हिसाब से रेशो जो है बढ़ेगा ही मैडम। महंगाई भी कंट्रोल में नहीं आ रही सत्तारूढ़ पार्टी के। देखो जी महंगाई कंट्रोल तो हमारे कांग्रेस के टाइम पे भी कोई नहीं थी, ठीक है ना, कांग्रेस के टाइम पे ही महंगाई कंट्रोल। 400 रुपया सिलेंडर बेच रहे हैं अपने राज्यों में कांग्रेस वाले। 400 रुपए सिलेंडर के लिए ना 4000 की लाइन लगानी पड़ती थी, 4000 की लाइन लगानी पड़ती थी। सरकार पे कर्जा भी तो हो गया मांगी पे, 400 रुपए सिलेंडर बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं वसूला तो जनता पे आएगा। अब ये मुफ्त की रेवड़ी बांट देंगे, कोई और सरकार में आएगा बाद में, कोई भी पार्टी आएगी फिर ये कहेंगे कि साहब ये कुछ दे नहीं पा रहे हैं, कर्जा इतना इकट्ठा कर जाएंगे फिर वो दे नहीं पाएगा बेचारा। तो देश में महंगाई बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी महंगाई तो हमेशा रहेगी अगर जब तक जनसंख्या का लेवल इस। बेरोजगारी तो इतनी ज्यादा है कि हम लोग सिलेक्टेड स्टूडेंट है 2019 के और अभी तक ज्वाइनिंग मतलब मोदी जी बांट चुके हैं, सुन लो एक मिनट सुन लेना ठीक है, और मोदी जी ज्वाइनिंग बांट चुके हैं 16 मई 2023 को, हम कागज जब आपको दिखा रहे हैं और उसी के लिए आए थे आज हम लोग यहाँ पे ठीक है। ये मुफ्त की रेवड़ी वाला ज्ञान देना बहुत आसान होता है जब बीतती है। आपका एसएससी में सिलेक्शन हो गया लेकिन नौकरी नहीं। रेलवे में हम लोग का हुआ है सिलेक्शन, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। आप सभी रेलवे के? रिजल्ट आए हुए 5 महीने हो गया, अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं मिला, मतलब बेरोजगारी है। रोजगार मिलेगी तो हमें बोला जाता है कि आपको ज्वाइनिंग। ये कागज देखिएगा, ये देखिए डियर रिक्रूटी, ये देखिए प्रमाण लेके चल रहे, ये देखिए, अरे देखिए तो यार बात क्या, देखो ये लिखा है डियर रिक्रूटी। 4 साल में नौकरी नहीं मिली इस
आरक्षण के बावजूद तो कहीं ना कहीं मर्दी उत्तर प्रदेश की बात है। कौन सा रेलवे? साउथ वेस्टर्न रेलवे। रेलवे इन भाई साहब को यह नहीं पता कि यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या है, कि एक आदमी को नहीं मिली कौन सी बड़ी बात होगी भाई? एक आदमी को नहीं मिली कौन सी बड़ी बात? अरे एक नहीं है, पूरा कुनबा लेके आया। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, कोशिश करो, एक बार विफल हो दोबारा करो, रोज ज्वाइनिंग लेटर है, पहली बार में हार गया, ज्वाइनिंग लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, तो सबर रखो, पहुंच जाएगा ज्वाइनिंग लेटर है, तो क्यों परेशान हो? तो भैया गवर्नमेंट की भी कुछ समस्या होगी, कुछ ना कुछ आपकी बात है, 1% पता नहीं है, बेलदारी करूँ रोज जाती मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, नहीं नहीं देखता मैं सुबह। अगर आप सिलेक्टेड हो गए तो कभी ना कभी रोजगार मिलेगा, किसी कोई कोई ना कोई काम मिलेगा, आप दोगे लिख के दे रहे हो ना। अच्छा एक मिनट भैया जी, राड मत करिए, राड मत करिए, कम दो महीने से दिल्ली में रुके हैं, पिछले 2 महीने से हम संघर्ष कर रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री जी के रोजगार का प्रधानमंत्री जी ने रोजगार बांटा था ना, उसका लेटर है। आज भी हम रेलवे बोर्ड में जाके आए हैं, हमारे साथ कम से कम 150 बंदे हैं, 150 बंदे, इनको 1% पता नहीं हमारी समस्या क्या है, ये बोल रहे हैं ना कि मतलब युवाओं पे बेरोजगारी की मार है, बिल्कुल 100% पूरी मार है बेरोजगारी की, 3 महीने में हम 8-10 बार आ चुके हैं, तो अब नौकरी कोई सुनवाई नहीं है, मतलब कोई नहीं, कम से कम हम जो संसद सत्र चला था, कम से कम 15 विधायकों से मिल के आए हैं, सांसदों से, तो हमारा कोई निवारण नहीं हुआ। चला ये युवा है कौन से प्रदेश से? अभी सुनो, किसान आंदोलन हो रहा था, सारा का सारा पंजाब और हरियाणा का किसान परेशान था, मैं यूं पूछ रहा कौन से प्रदेश से है ये? कौन से प्रदेश? हम आरआरबी से, आरआरबी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे, ऑल इंडिया के हैं, तो मैं सरकार से ये कहूँगा, वाकई ये अहम मुद्दा है इसका, बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा नहीं, अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं हो रहा उसको बेरोजगारी नहीं कह सकते आप, बेरोजगारी नहीं उसमें करना चाहिए, बेरोजगारी नहीं तो क्या है? एक बात बताओ, 2014 से पहले जितने यहाँ बंदे खड़े, ये बताओ इनके परिवार में कितने कलेक्टर थे, कितने IPS थे, कितने इंजीनियर थे, कितने डॉक्टर थे? तुम्हारे यहाँ कितने कह रहे आप एकदम सही कह रहे हो, आपके पिताजी क्या करते थे? पिता किसान थे, मैंने पढ़ाई करके ये नौकरी पाई है, आप ठीक है ना, सुननी चाहिए, लेकिन बेरोजगारी का नाम नहीं देना चाहिए, आप बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी किस देश में होती है? सुनो, अरे इनकी नौकरी लग गई, बेरोजगारी किस देश में होती है, किस प्रदेश में होती है? जहाँ ज्यादा लूटमार होती है, छिन्ना झपटी ज्यादा होती है, चोरियां ज्यादा होती है, गुंडागर्दी ज्यादा होती है, उस प्रदेश में होती है, यहाँ ऐसे कुछ नहीं है। देखिए ये महिला है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है अभी तक, सुनीता मीणा, कहाँ से आप? दौसा से। क्या नाम है? सुनीता मीणा। सुनीता जी कब एग्जाम दिया था? 2019, मतलब 2019 की वैकेंसी है, उसका अभी जॉइनिंग नहीं है, मतलब बेरोजगारी है देश में अभी। हाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, देखिए महिला परेशान है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, और अभी तक नौकरी का सिलेक्शन हो चुका है, जॉइनिंग क्या हो सकता है इसका? सुनो एक मिनट, इसका समाधान, जब हमारे यहाँ का विपक्ष भी परेशान है, बेरोजगार है, आज आतंकवाद का समर्थन में पहुंच गया, तो और बताओ इससे बड़ी बेरोजगारी कैसे नहीं होगी इनके दौरे, इन विपक्षों के दौरे बेरोजगारी रहेगी। आतंकवाद मसला है या बेरोजगारी मसला है? मैं कह रहा हूँ विपक्ष आज बेरोजगार हो गए, एक आतंकवाद का समर्थन करने पहुंच गया, तो इससे बड़ी बेरोजगारी क्या होगी? बात तो ये युवा की है और युवा देश का परेशान है। तो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, गवर्नमेंट से मैं प्रार्थना करता हूँ कि लिखे पढ़ा आदमी जहाँ तक उसकी योग्यता है उसको काम मिलना चाहिए, लेकिन सभी को काम नहीं मिलेगा, मैंने कहा था गवर्नमेंट से इस बार, लेकिन इसको नाम बेरोजगारी की देना एक मूर्खता है। नौकरी मिलेगी क्या सरकारी? स्कूल तो क्या नहीं जिंदगी भर, और नौकरी मांगे सरकारी? अरे नौकरी का पेपर पास कर, अनपढ़ नहीं, ये सारा फेक है, इसको बोलो साइड पर जाकर नौकरी वाले नौकरी मिल रहा है कि नहीं, अरे वो तो फेक कह रहे हैं आपको, विपक्ष ने सेट कराया आपको, कह रहे हैं
अरे ये देख लो ये, जाने दो मत मेरे को। मैडम एक बात बताओ, बेरोजगारी जब से देश आजाद हुआ है तब से बेरोजगारी थी। तब तनख्वाह कितनी होती थी, सरकारी नौकर की तनख्वाह होती थी 40 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपया किसी अफसर की तनख्वाह होती थी। आज अफसर की तनख्वाह है 1 लाख 1.5 लाख। एक मिनट बताइए, हमारी 1,03,000 वैकेंसी थी। सुनो एक मिनट सुनो, सुनने की भी मत रखा करो। 1,03,000 वैकेंसी थी, उसमें 1,00,000 लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। 3,000 बंदे घूम रहे हैं, हम 4 साल से घूम रहे हैं भाई। ये रिपोर्ट कर रहे हो तो इसके द्वारा हमारा कोई समाधान तो ये कर रहे ना, तो हम बेरोजगार है। मतलब 3,000 का घपलाबाजी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, 3,000 वैकेंसी का घपलाबाजी। अरे कई मोर लगी है, सरकारी मोर लाओ ना, सरकारी। अरे कोई भी टाइप कर ले भाई, साइड का है। अच्छा अच्छा, आप लोग युवा हैं और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। बेरोजगारी नहीं है, ये जनता को गुमराह करने वाले एक फंडा है। ये बेरोजगारी नहीं है, ये समस्या है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए। आपकी इस बेरोजगारी की मार का असर क्या 2024 के चुनावों पे पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। अच्छा। 100% पड़ेगा। बदलाव चाहेंगे हमारे तो 2,000 स्टूडेंट है मैडम, ऑल इंडिया से 3,000 है हम। सत्ता परिवर्तन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सत्ता परिवर्तन करके किसको लाएंगे? ये जो हमारा समाधान करेगा, जो हमारा समाधान करेगा, हम उसको चुनेंगे, जिसको चुनेंगे। हमको सरकार से और उससे कोई मतलब नहीं है, हमको हमारी बेरोजगारी से मतलब है। जो हमारा समाधान करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। मानसिकता का फर्क है, मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ, ये समस्या हो सकती है लेकिन बेरोजगारी नहीं हो सकती। ये क्या है अंकल जी? कहो, मांगो, आप अधिकार है एक युवक का, एक नौजवान का अधिकार है, गवर्नमेंट से लड़ने का अधिकार है, लेकिन बेरोजगारी का शब्द मत जोड़ो इससे, क्योंकि अगर एक नौजवान चार साल की समस्या कहेंगे आप, 4 साल से इनके पास ये चीज है। ये 70 साल की समस्या से लड़ रहे थे हम, आज 9 साल में बहाल हुए हैं। जब हम 70 साल तक लड़ सकते हैं, क्या 4 साल कौन सी इतनी बड़ी बात है? हम तो 70 साल की समस्या से लड़े। 1,00,000 रहने चाहिए, 70 साल में इंसान जिंदा भी तो रहना चाहिए, 70 साल में उनकी आने वाली पुश्त आ जाएगी। बात करो 70 साल, ये देखो 9 साल में, ये भाई साहब कह रहे हैं कि 70 साल से 9 साल बढ़िया थे, खराब थे भाई। पत्थरबाजी खत्म होगी, यहाँ आतंकवाद खत्म हो गया, यहाँ माफिया खत्म हो गया, यहाँ गुंडागर्दी खत्म होगी, तो ये अच्छी बात है या खराब बात? खराब बात है। कहाँ खत्म हो गई, कहाँ खत्म हो गई, कहाँ पे हो रही है बताओ? अच्छा मुझे ये बताओ, कहाँ पे हो रही है बताओ? अरे यूपी में, सुनिए यूपी में जब हाथरस का वो रेप केस हुआ था तो वो बीजेपी के पार्टी वाले ही थे, क्यों उस केस को दबा दिया गया? अभी दिल्ली के उत्तम नगर नजफगढ़ एरिया में एक हिंदू लड़का और एक हिंदू लड़की का मतलब मर्डर कर देता है, तो वो तो कोई नहीं आता वहाँ पे देखने, उससे मिलने। सुनो एक मिनट, एक मिनट जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, सुन लो एक मिनट। जब एक आतंकवादी आतिक अहमद का वहाँ एक गुंडा मर्डर करके निकल जाता है, तो ये बताइए आप वहाँ छाती पीटते हुए राष्ट्रीय ध्वज लेके उसकी कबर पे कैसे पहुंच जाते हैं? ये कैसे कहते हैं कि हमारा आतंकवादी शहीद हो गया, उसके बारे में बोलिए जरा। मैं तो वहां भी नहीं गया, मैं तो वहां भी नहीं गया। मेरे लिए आपके साथ मेरे लिए वो लड़की ज्यादा इम्पोर्टेंट थी जिसके 32 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। मतलब महिला सुरक्षित नहीं है? महिला सुरक्षित नहीं है, सच में नहीं है, कैसे नहीं है सुरक्षित? महिला कैसे सुरक्षित नहीं है? महिला आप देख लीजिए, कई बार अगर कोई लड़की सिगरेट पी रही है तो लोग उसको गंदी नजर से देखने लग जाते हैं, अगर लड़का पी रहा है तब तो उसको कोई कुछ नहीं कहता। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चल रहा है देश में। अरे हमारे मोदी जी भी एक बार भाषण में वो डायलॉग मारे थे, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, बेटी पटाओ बोल के। तो आप इनकी बातों से ये विचार कर सकते हैं कि ये आदमी कितना घटिया हो सकता है, एक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी गंदी टिप्पणी कर सकता है? तो ये देखो कैसा लोग होगा।